हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली फिलोसफी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एमए फिलोसफी ऑनर्स पेपर 4, ठीक है, सेमेस्टर 1 का वेस्टर्न मेटाफिजिक्स, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर देता हूँ। 22 से 24 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप मान सकते हो। फुल मार्क्स यहाँ पे 70 नंबर का है। थ्योरी का दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते किन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर देना है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तत्व मीमांसा क्या है, तो ये सभी आप यहाँ पे देखते जाए। बुद्धिवादियों के अनुसार मन और शरीर के संबंध की व्याख्या यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, कांट के अनुसार देश और काल सिद्धांत की व्याख्या करना है। 5 नंबर में दोस्तों आभास एवं सत्य सिद्धांत की व्याख्या एवं समीक्षा करना है। आभास दोस्तों आप सभी को पता होगा, अपीयरेंस एंड यहाँ पे रियलिटी के बारे में बात किया जाता है। आभास दोस्तों मतलब जो चीज़ नहीं होता है उसको आप यहाँ पे देख लेते हो अपने भूलवश या किसी तरह से मान सकते हो आप, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। असत्य आप उसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आभास और सत्य तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कारणता के सिद्धांत, यहाँ पे आपको संक्षेप में व्याख्या करना है। कॉजेशन थ्योरी आप सभी को पता होगा, ठीक है। नीचे में आप जाओगे तो सामान्य और विशेष सिद्धांत की व्याख्या आपको करने हैं। सामान्य दोस्तों जो सभी के या फिर समूह वगैरह पे लगने वाले चीज़ें होते हैं, और विशिष्ट मतलब यहाँ पे विशेष मतलब विशिष्ट जो किसी स्पेशल पार्टिकुलर की बात करता हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वस्तुवाद और बाकी यहाँ पे अरस्तु के अनुसार द्रव क्या है, ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और